फ्लेक्स नहीं के मारत करे दादा का मारत है हां बेटा तुम सबूत की छोटे बन गया बेटा आज तुम जाने की तैयारी करो बेटा कल तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है ठीक है पिताजी मैं अभी तैयार होकर आता हूँ आ गया बेटा हाँ माँ लो बेटा ये रास्ते में काम आएगा बेटा तुम जहाँ भी जाना अच्छा से रहना हर बात जिम्मेदारी का रास्ता ही अपनाना माँ मैं तुम्हारी हर सब बात याद रखूंगा माँ ठीक है बेटा तुम ऐसा ही करना दूसरा बेटा दीजिए मेरे लाल बाबा अड्डे पर विश्राम कर रहे हैं सुबह मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो हाँ क्यों नहीं आप पहले बैठिए तो कैमरा बाकले हो इतनी जल्दी क्या है प्रकाश बाबू कि आप यहाँ कुछ पर रुक नहीं सकते क्या क्यों नहीं सुबह प्रकाश बाबू मेरे चाचू साहब को कैसी मुलाकात हुई ये आप मुझे बता सकते हैं और आपके परिवार में कौन कौन जरूर सुबह मेरे परिवार में सिर्फ दो लोग थे एक बाबा और दूसरा मेरा दोस्त विक्रम मगर मेरी कहानी तुम भी सुनना चाहती हो तो सुनो मेरे परिवार में मेरी सिर्फ एक माँ थी जो आज से कुछ साल पहले मुझे छोड़कर चल बसी मैं भी अपना जिंदगी से तंग आ गया था और आत्महत्या करने वाला था तब तक मेरा दोस्त विक्रम ने आया और मुझे मेरी जान बचाई और मुझे जीने के लिए एक दूसरी राह दिखाई मुझे माफ करिए प्रकाश बाबू मैं आपकी पिछले गमों को याद करके बहुत बड़ी गलती कर दी सुबह आज तक मेरी आंखों से कितनी बार आंसू आ मगर किसी ने इसे देखा उत्तर नहीं था लेकिन आज तूने मेरी आंखों के आंसू पूछ कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सुबह मोबाइल संपर्क बधा रही प्रकाश बाबू हम आपको हमेशा खुश दिखना चाहते हैं सुबह हर मरीज को खुश रहने के वास्ते किसी के सहारे की आवश्यकता होती है वही सहारा की आवश्यकता मुझे भी है क्या वह सहारा मुझे दे सकती हो मैं कुछ समझ ही नहीं प्रकाश बाबू ना क्या चाहते सुबह न जाने आज मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है सुबह मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुझे तुम्हारी आवश्यकता है सुबह ये जिंदगी तब खुश रह सकती है जब तुम मेरा साथ होगी सुबह सुबह तुम मैं मेरी जरूरत हो